देहरादून पौड़ी ऋषिकेश समेत प्रदेश के 7 शहरों में एक हफ्ते का कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। यह कर्फ्यू 3 मई तक रोज लगेगा। कुमाऊं, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआ, टनकपुर और बनबसा में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं पौड़ी जिले में पौड़ी गढ़वाल के नगर निगम कोटद्वार और नगर पंचायत जोंक, सुरगरास, लक्ष्मण झूला क्षेत्रों में पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। यह कर्फ्यू 26 अप्रैल की शाम 7 बजे से 3 मई तक सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी की ओर से रविवार रात को आदेश जारी किए गए थे। दरअसल प्रदेश के साथ ही दून में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। रोज 1000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि कोरोना से मौत की संख्या में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार के साथ ही जिला प्रशासन ने दून नगर निगम क्षेत्र के साथ ही कैंट क्षेत्रों में आज 26 अप्रैल से 3 मई तक पूर्ण कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की है। इस दौरान सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के साथ सार्वजनिक वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी। आप सभी लोगों की सुरक्षा के लिए और कोविड की जो इस समय इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए और इस चेन को ब्रेक करने के लिए ये निर्णय किया गया है कि आज शाम से कोविड का कर्फ्यू लगाया जाएगा और जो अगली सोमवार की सुबह 5 बजे तक चलेगा। आप सभी देहरादून वासियों से मेरा अनुरोध है कि इस कर्फ्यू के दौरान जरूरी चीज़ें जो हैं उनकी जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, जैसे कि हमारी राशन की दुकानें हो गई, फल सब्जी की दुकानें हो गई, डेयरी होगी, इसके अलावा अंडे की दुकान हो गई, मीट मछली की दुकान हो गई, इस तरीके की जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रत्येक दिन खुलेंगी। इसलिए आप लोग बाजारों में भीड़ ना लगाएं, इसमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी और पर्याप्त सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब ज़रूरत हो तो ही घरों से बाहर निकलें और इन सारी चीज़ों के लिए बाजार में अननेसेसरी भीड़ नहीं लगाएं। को जिला प्रशासन का इसमें सहयोग करें, जिससे कि जिस कार्य के लिए ये कोविड के लिए कोविड कर्फ्यू लगाया जा रहा है हम एक सप्ताह में ही उस कार्य को पूर्ण कर पाएं आप लोगों के सहयोग से, ऐसा मेरा अनुरोध है आप लोगों से। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप हैं, गैस की आपूर्ति है और इसके अलावा दवा की दुकानें हैं वो हमेशा खुली रहेंगी और जिन लोगों को कोविड के टेस्ट कराने हैं या वैक्सीनेशन कराया जाना है उन लोगों के लिए भी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।